demonstrative pronoun. It is used to find out near or far person, place and things. Singular near, this, and far that. Plural near these and far those. Such is used for singular, near, far, and also for plural, near, far. Normally used in subject and object. Demonstrative pronoun kya hai? Wo noun pronoun hai jo point out karta hai nizdeek aur far away things ko. इसमें person भी आता है, place भी आता है, और things भी आता है. हम this singular के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो नज़दीक हो. For example, this boy. And far को इस्तेमाल करते हैं तब जब कोई चीज़ हमसे दूर हो. That boy. मतलब कुछ दूरी के पास या कुछ फासले पर हो तो हम that इस्तेमाल करते हैं. प्लूरल के लिए, जमा के लिए हम these इस्तेमाल करते हैं. वो चीज़ जो हम प्लूरल में है और हमारे नज़दीक हो तो हम these इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ हमसे दूर हो तो प्लूरल क्या इस्तेमाल करते हैं, हम दोज इस्तेमाल करते हैं. दिस एंड दैट ये सिंगुलर के इस्तेमाल होते हैं, और दीज एंड दोज हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं. दो से एक, दो से या दो से ज़्यादा चीज़ी या जगह या अशखास के लिए. सच को हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ख्वाह वो हमारे नज़दीक हो, नियर हो या फार हो या हमसे दूर हो, तो हम सच को इस्तेमाल करते हैं. इस तरह एक चीज़ आपने नोट करनी है कि नेवर यूज़ नाउन आफ्टर सच. सच के बाद नाउन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इस तरह दिस, दोस, दैट एंड दिस के बाद नाउन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.